स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। तो हम लोग क्लास 10 साइंस का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो कि चैप्टर नंबर 1 है वो हम लोग पढ़ रहे थे, और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आते हैं डिफिनेशन पे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो डिफिनेशन होता है वो क्या है, दोस केमिकल रिएक्शन, वैसा केमिकल रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। ठीक है, वैसा केमिकल रिएक्शन आप लोग जानते हैं, वैसा केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें सिंगल प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट एक से अधिक ही होंगे। ठीक है, वो अगर कंबाइन होकर एक कोई सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। दोस केमिकल रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये अभी अगर डिफिनेशन से समझ में आया तो अभी एग्जाम्पल आएगा तो वहां पर समझ में आ जाएगा। अब देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होते हैं, और फिर जो बॉन्ड है वो मेक भी होते हैं, कहीं पे बॉन्ड टूटते हैं कहीं पे बॉन्ड जुड़ते भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं उसमें आपस के बॉन्ड टूट के फिर एक जो प्रोडक्ट जो बनता है उसके बाद फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है उसमें बॉन्ड मेकिंग हो जाता है, उसमें बॉन्ड बन जाते हैं। रिएक्टेंट पे बॉन्ड टूटते हैं और फाइनली जब प्रोडक्ट बनता है तो वहां पे बॉन्ड की कॉम्बिनेशन हो जाती है, वहां बॉन्ड मेकिंग होती है। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, जहां पे एक से अधिक प्रोडक्ट है आपस में कंबाइन होकर एक से अधिक रिएक्टेंट है वो आपस में कंबाइन होकर एक फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसको एग्जांपल से समझने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ सेल्ट लाइम। ठीक है, जो सेल्ट लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहा जाता है, उसका प्रोडक्शन होने में यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है, बड़ा परफेक्ट एग्जांपल है यहाँ पे। अब देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड जो सेल्ट लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसे प्रिपेयर्ड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट में हमें सल्ट लाइम मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, साथ में हीट जनरेट होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट में आप ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट में कितना था, दो प्रोडक्ट है, पहला वन ये दूसरा। ठीक है, एक ये दो, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर यहाँ पे प्रोडक्ट में सिंगल ही चीज बनेगा। ठीक है, एक से जो प्रोडक्ट वाला पोर्शन जो होता है रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट वाला पोर्शन है वहां पे सिंगल ही अगर चीज सबस्टांस बन के निकल रहे हैं, कोई कंपाउंड बन के निकल रहा है, कोई सिंगल ही कंपाउंड बन के निकल रहा है, तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल कहेंगे, जहां पे एक से दो या दो से अधिक रिएक्टेंट रहे लेकिन प्रोडक्ट में सिंगल रहे, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड एक और वाटर दो चीज था, दो सबस्टेंस था, ये आपस में कंबाइन होकर सेल्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। ठीक है, साथ में हीट भी रिलीज हुआ, तो हीट को यहाँ पे नहीं काउंट करेंगे, जो सबस्टेंस बन रहा है उसको हम लोग देखेंगे कितने सबस्टेंस बन रहे हैं, तो सिंगल बन रहा है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ कोल का एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं, तो कोल का बर्निंग का अगर हम लोग बात करें तो कार्बन हो गया, कोयला कार्बन होता है, कार्बन के साथ अगर हम लोग ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं, बर्निंग हो रहा है तो एयर से ऑक्सीजन देगा, तो यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट पे आप ध्यान दो, दो सबस्टांस से कार्बन एंड ऑक्सीजन थे, आपस में कंबाइंड हुआ, कंबाइंड होके यहाँ पे सिंगल सबस्टांस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। अगर हम लोग स्टेट लिखना चाहें तो सॉलिड स्टेट में कार्बन था, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में था और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसेस स्टेट में, साथ में हीट रिलीज होगा। ठीक है, एक चीज आप ध्यान दोगे कि जितना भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें हीट रिलीज ज्यादातर केस में होता ही होता है। ठीक है, इसको हम लोग अलग से एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वाला रिएक्शन पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन को फोकस कर रहे हैं, तो दो चीज एक साथ कंसेप्ट रहेगा तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो जितना कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें दो रिएक्टेंट में, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट में सबस्टांस रहेंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। जैसे यहाँ पे भी आप देख लो, कार्बन और ये दो चीज थे और यहाँ प्रोडक्ट में सिंगल सबस्टांस कार्बन डाइऑक्साइड बनकर निकल रहा है, तो ये भी एक बर्निंग ऑफ कोल भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, बर्निंग ऑफ कोल किस टाइप का केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। अब है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस को अगर ऑक्सीजन में जलाते हैं तो वहां पे वाटर का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, वाटर बनता है, ये भी एक केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आप देखिए यहाँ पे इक्वेशन में लिख देता हूँ, तो हाइड्रोजन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा H2O। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा, पहले बैलेंस कर देता हूँ। यहाँ पे देखो बैलेंस का तरीका वही है, हाइड्रोजन को देखो दो है, यहाँ पे देखो दो है, ओके कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन कहना है दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, तो अब दो को कम तो नहीं कर सकते, वैसे भी ऑक्सीजन के ये टू को हम लोग छेड़ेंगे तो ऑक्सीजन ही बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग छेड़ ही नहीं सकते, यहीं पे हमको छेड़ना पड़ेगा, और इसके पीछे में लिखना है
तो ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे हम लोग दो कर देंगे तो ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करें, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस के करने के चक्कर में हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन चार हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, ठीक है, तो अब इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2H2O कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे चार एटम हाइड्रोजन के, चार एटम हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के दो एटम, ऑक्सीजन के दो एटम, यहाँ पे बैलेंस्ड हो गया। अब अगर इसका स्टेट लिखना है तो हाइड्रोजन भी गैसेस स्टेट में, ऑक्सीजन भी गैसेस स्टेट में, और यहाँ जो वाटर बनेगा वो भी स्टीम के फॉर्म पे बनेगा, प्लस हीट जनरेट होगा। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ हीट को कम सबस्टांस में काउंट तो करेंगे नहीं, हीट तो हीट है, एनर्जी। यहाँ पे सबस्टांस क्या निकला, वाटर निकला। ठीक है, रिएक्टेड में हमारे पास कितना था, दो चीज था, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में क्या निकल के आया, सिर्फ एक चीज निकल के आया, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल, ये परफेक्ट एग्जांपल है। और बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाए थे, एमजी प्लस ऑक्सीजन के साथ हम लोग बर्न करा, सीधे रिएक्शन में MgO निकल के आ गया। अब इसको बैलेंस कर देते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, मैग्नीशियम सिंगल है, सिंगल है, ऑक्सीजन दो है, तो यहाँ पे दो कर दिए। अब मैग्नीशियम डिसबैलेंस हुआ था, मैग्नीशियम भी दो कर दिए, साथ में यहाँ पे हीट जनरेट होगा। तो ये भी कॉम्बिनेशन गया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, ये भी कॉम्बिनेशन एक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। थैंक यू वेरी मच, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो।